कृपाशंकर सिंह को बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच कृपाशंकर सिंह की जौनपुर में एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं काफी लंबा काफिला है, कई गाड़ियां हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए कृपाशंकर सिंह ने महाराष्ट्र में लगभग 4 दशकों तक राजनीति की है और अब वो जौनपुर आकर वहां की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र में आप मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस के मुंबई प्रेसिडेंट भी रहे, अब बीजेपी से आपको टिकट मिली है जौनपुर के लिए, कितना अलग रहा है ये पूरा सफर और कितनी खुशी पूरे परिवार में होती है? स्वाभाविक है, ये खुशी की बात है। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं विधान परिषद का सदस्य बना था 94 में, तब भी उसी ढंग से हमारे समाज के लोग, महाराष्ट्र के लोग, शुभचिंतक के लोग, मीडिया के लोग मुझे प्यार दिए थे। जब मैं मंत्री बना था तब भी हमको प्यार दिए थे। मुंबई में अध्यक्ष बन के इसे मुंबई के लोगों ने 6 की 6 लोकसभा सीट पहली बार कांग्रेस को मिली थी, यही लोगों का प्यार था। और आज जैसे खबर लगी है, हालांकि 2-3 दिन से जिनको कहीं से भनक लगती थी, अखिलेश चौबीस जी एडवोकेट हैं, कल भी उन्होंने कहा भैया आप बोल नहीं रहे हैं, आपको बताया गया। हमका बताया गया तो मैं क्यों नहीं बताता। तो बहुत सारे ऐसे वेलविशर हमारे शुभचिंतक जौनपुर से यहाँ, और जैसे खबर लगी जौनपुर का हमारा जो जिला अध्यक्ष है पुष्पराज सिंह, सुशील मिश्रा जनरल सेक्रेटरी है, उन लोगों ने वहां से बैठ करके वहां मतलब पटाखे छोड़े, वहां लोगों ने स्वागत किया कब आओगे करके। तो ये जो यही मेरी एनर्जी, यही मेरी ताकत है। कृपाशंकर सिंह ने 1977 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्होंने शुरुआती दौर में यूथ कांग्रेस और सेवा दल में रहकर राजनीति की। फिर साल 1988 से 1989 तक प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर काम करते रहे। इसके बाद वो राजनीति में सफल होते गए। 2004 से 2009 तक महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। फिर साल 2008 से 2012 तक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा में 4 बार और 1 बार विधान परिषद में सदस्य रहे हैं। करीब 4 साल पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भाजपा से जुड़ गए। कृपाशंकर सिंह को बीजेपी में बड़े कद का नेता माना जाता है। कृपाशंकर सिंह मूल रूप से जौनपुर जिले के ही रहने वाले हैं। 21 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे और अब जौनपुर में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बनकर एंट्री करता ये काफिला कृपाशंकर सिंह के लगातार बढ़ते राजनीतिक कद का सबूत दे रहा है। लेकिन बाहुबली धनंजय सिंह ने भी खुद के जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कृपाशंकर सिंह के लिए थोड़ी चुनौती जरूर पेश की है। बाहुबली धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्टर के साथ लिखा था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। इसके साथ ही जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम के साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि धनंजय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सिंबल पर। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव लड़ने के ऐलान करने से कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह के बीच जौनपुर सीट पर तगड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।